नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री के मामले में अदालत की लड़ाई पक्षकारों द्वारा निरंतर सुनवाई के सातवें दिन तक पहुंच गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्याम दीवान द्वारा दी गई दलीलें सुनी, जिन्होंने लगातार दूसरे दिन साइरस मिस्त्री की ओर से बहस की। वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास ने भी दलीलें दी, जो मिस्त्री का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टाटा संस की ओर से हरीश सालवे द्वारा प्रस्तुतियां दिए जाने के बाद सुनवाई समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया। नोटिस का 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने कामरा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद वाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था। पीठ के समक्ष कामरा के ट्वीट्स का हवाला देते हुए अधिवक्ता निशांत कातनेश्वरकर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कामरा के ट्वीट का जिक्र किया। मैं जो पहले से ही बदनाम है उसे बदनाम करने वाला हूँ, ये मजाक की अवमानना है। वकील ने कहा कि वो खुली अदालत में नहीं पढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायपालिका के बारे में सोशल मीडिया हैंडल सैनिटरी पैनल्स में प्रकाशित करने के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। नोटिस का 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने तनेजा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कानून के छात्र आदित्य कश्यप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस साल नवंबर में यूपी सरकार द्वारा लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए पारित विवादास्पद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे पहले अधिवक्ता सौरभ कुमार ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए कल मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। कहा है कि अपराध की जांच के दरमियान मीडिया में मामले का चुनिंदा खुलासा अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावित करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दहेज हत्या मामले में एक मृत महिला के ससुराल वालों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने मामले की आगे की जाँच के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो को भी निर्देश दिया है। कहा है कि चार्जशीट पेश करने के बाद सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी की पीठ ने ये दहेज हत्या के मामले में मृत महिला के ससुराल वालों को अग्रिम जमानत रद्द करने और मामले की आगे जाँच के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो को भी निर्देश देते समय कहा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।